मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी मूंग दाल का स्टफ्ड चीला बनाया है। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब भी आपका कुछ अच्छा और चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इसको झट से बना सकती हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले दालों का प्री मिक्स बनाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और इसमें मैंने यहाँ पर थोड़े से साबुत धनिया लिए हैं, ये डाल देते हैं। दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इनको हम मिक्स करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेते हैं। हमें इनको कलर चेंज होने तक फ्राई नहीं करना है, जस्ट हमें इसकी नमी खत्म होने तक इसको फ्राई करना है। और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंग की दाल ली है, ये इसमें डाल देते हैं और इसको भी हम कुछ मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसकी नमी भी इसमें से खत्म हो जाए और पेस्ट बनाने में आसानी हो। अगर आपको ये पेस्ट वगैरह बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप मार्केट से भी मूंग दाल का प्रीमिक्स ला सकती हैं। और ये मैंने अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको एक जार में निकाल लेते हैं और जार में निकालने के बाद अब हम इसमें एक तिहाई चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधी चम्मच आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी हींग डालेंगे, आधी चम्मच नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके पीस लेते हैं और इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। और ये मैंने इसको पीस के इस तरह से इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं उससे थोड़ा सा थिक हमें इसका बैटर बनाना है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और अच्छे से फेंटते हुए हमें इसको लम्स फ्री बैटर तैयार करना है इसका। और ये हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का यूज किया है इसमें। अब हम इसमें आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये मैंने यहाँ पर थोड़े से मटर के दाने लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याज बारीक कटी हुई डाल देंगे, थोड़ी सी गाजर डाल देंगे बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये मैंने यहाँ पर 150 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डालेंगे, एक तिहाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच नमक और एक तिहाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर। मसाले हमें हिसाब से ही डालने हैं क्योंकि हमने दाल का प्रीमिक्स बनाने में भी मसाले यूज किए हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है और हमारा बैटर भी तैयार है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ चीले बना लेते हैं। तो उसके लिए गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और इसमें आधी चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम 2-3 स्पून भर के हम बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देते हैं। इसको फैलाने के बाद अब हम इसको नीचे से सिकने देते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर ऊपर से चेंज हो गया है तो इसको हम पलट देते हैं। और अब हमने जो स्टफिंग बना के रखी है वो इसमें डाल देते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप इस पे टमाटो सॉस भी लगा सकती हैं और इसको अच्छे से फैला देते हैं। तो स्टफिंग को अच्छे से फैलाने के बाद
अब हमने जो बैटर बनाया है उसको हम फिर से ऊपर से डाल देते हैं और स्टफिंग को अच्छे से कवर कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने आप सारी स्टफिंग को अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम इसमें आधी चम्मच ऑयल डाल देते हैं ऊपर से और अब हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए नीचे से अच्छे से सिकने देते हैं। और 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम इसको हिला के देखेंगे तो आप देख सकती हैं अच्छे से हिल रहा है, यानी कि नीचे से अच्छे से सिक गया है। तो अब हम एक स्पैचुला की सहायता से इसको सावधानी से पलटेंगे ताकि ये टूटे ना। और इसको पलटने के बाद अब हम इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए नीचे से पकाएंगे। और 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। तो हम इसको पलट के देखेंगे कि सिकाए कि नहीं। वाह जी वाह, आप देख सकती हैं कितना ही अच्छा कलर आया है इसका। तो अब हम इसको अलट पलट के एक दो बार अच्छे से क्रिस्पी कर लेते हैं। और ये अच्छे से मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। तो अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस में आधी चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को फैला देते हैं और इस पर बैटर डालेंगे। बैटर को भी अच्छे से फैलाएंगे, नीचे से सिकने देते हैं। और ये नीचे सिक गया है तो अब हम इसको पलट देते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये ग्रीन चटनी ली है, ये इस पर लगा देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप टमाटो सॉस लगाएं और इस पर ये स्टफिंग डाल के अच्छे से फैला देते हैं। और सेम प्रोसेस में फिर से बैटर डालेंगे ऊपर से और इसको कवर कर देते हैं स्टफिंग को। और अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए नीचे से सेक लेंगे ऑयल डाल के। तो अब हम इसको फिर से कवर कर देते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे तो आप देख सकती हैं अच्छे से हिल रहा है। तो अब हम इसको फिर से पलट देते हैं। फिर से पलटने के बाद अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए फिर से कवर करके सेकेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये नीचे से भी अच्छे से सिक गया है। और अब हम इसको फिर से प्लेट पे निकाल लेंगे। और ये मैंने इस तरह से इसको कट करके सर्व किया है। आप इसको टमाटो सॉस या ग्रीन चटनी किसी के भी साथ खा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और आप देख ही सकती हैं बनाने में भी बहुत ही ईजी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।